हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 9 के बारे में। हाँ जी, 9 के बारे में, क्योंकि मैंने आज ही आपका सिलेबस देखा है तो उसमें जो है बाकी के जो आपके फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स आए थे वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था और मैंने जो है वो फिफ्थ चैप्टर वीडियो बना दी थी वो आपके सिलेबस में ही नहीं था, वो कट था, ठीक है। तो अब मैंने आपका सिलेबस ढंग से देख के अच्छे से तो फिर से वीडियोस बनानी शुरू करी हैं और अब मैं आपके सिर्फ टर्म 2 की वीडियोस बनाऊंगी। और अगर वो फिफ्थ चैप्टर जो है, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मत देखिए, ठीक है। अगर हाँ आप वैसे नॉलेज के लिए देख रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं जो कि 2022 में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए वो किसी वैसे एग्ज़ाम के अगर प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। उसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो वीडियोस बना रही हूँ आप उन्हें देखिए। 9 चैप्टर और 10th चैप्टर भी आपका पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। 11th चैप्टर, 12th चैप्टर जो अब मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आपका सिलेबस में आएगा, ठीक है। और अब की बार जो आपका पेपर होगा वो एकदम डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। और उसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसा आपका फर्स्ट टर्म में पेपर हुआ था तो अब की बार भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब की बार आपका जो है सेकंड टर्म में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके लिए आपको लिखने के लिए बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसके लिए जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखना कोई आसान बात नहीं है अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो, अच्छा सा आंसर लिखना, ठीक है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और हाँ, पेपर में जाने से पहले 1-3 घंटे का पेपर ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फिर अपने चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक इन्फॉर्मेशन, ये एक मतलब एक बात बता देती हूँ कि जिस चैप्टर है इसका नाम है शासक और इतिवृत्त, ठीक है, मुग़ल दरबार 16वीं से 17वीं शताब्दियाँ, ठीक है। तो जो भी हम इसमें शासक इतिवृत्त और मुग़ल दरबार के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हम 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का ही पढ़ेंगे, ठीक है। 16वीं शताब्दी से मतलब ये है कि 1501, ठीक है, अगर इसमें जो भी आपसे बोला जा रहा है उससे एक कम कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे इसने बोला है ना 16वीं शताब्दी तो यानी कि इसका मतलब क्या है 1500, और 16वीं शताब्दी शुरू होएगी तो वो 1501 से शुरू होएगी, ठीक है, सॉरी 1500 से, ठीक है, 1500 से ये 16वीं शताब्दी शुरू हो गई। और 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है 1699, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो 16वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक पढ़ने वाले हैं, और आपको बताइए 1 शताब्दी में 100 साल होते हैं, ठीक है। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे वो 1500 से लेके मतलब जो भी इसमें आएगी तो ये 16वीं शताब्दी के अंदर आएगा, ठीक है, 16वीं शताब्दी, और ये जो है ये 17वीं शताब्दी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको आप समझ भी आ गया होगा कि ये शताब्दी है क्या, इसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है, मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मुग़ल शासक और उनको साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुग़ल नाम है ये मंगोलों से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो जो ये मुग़ल नाम है ये किससे उत्पन्न हुआ, मंगोलों से, ठीक है। और ये स्वयं को जो है मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, तो क्या कारण था जो ये क्या नाम है मुग़ल जो शासक थे ये स्वयं को जो है मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, कि भाई मतलब कि तो कोई कुछ काम करता ही नहीं है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इनके पीछे भी एक रीज़न था कि अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, इन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो इसमें जो ये मंगोल क्यों नहीं कहलाना पसंद करते थे, इसके लिए हम दो पक्ष को देखते हैं, ठीक है, एक पितृपक्ष यानी कि पिता का पक्ष और दूसरा मातृपक्ष यानी कि माता का पक्ष, ठीक है। तो यानी कि ये जो पितृपक्ष है इसमें तुर्की शासक तीमूर के वंशज थे, ठीक है। जिसमें ये मुगल हैं ये किसके वंशज थे, ये तीमूर के वंशज थे जो कि तुर्की शासक थे, ठीक है। और इन्होंने स्वयं को पहला तैमूरी कहा था, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, स्वयं को पहला तैमूरी कहा था। अब हम मातृपक्ष देखते हैं, ठीक है। जो पहला मुग़ल शासक था बाबर, ठीक है, ये मातृपक्ष चंगेज़ खान से संबंधित था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित था, इसके जो मातृपक्ष था वो चंगेज़ खान से संबंधित था ये, ठीक है। और ये तुर्की बोलता था, तो ये जो चंगेज़ खान था ना ये बहुत ज़्यादा नरसंहार से जुड़ा हुआ था, बहुत ही मतलब क्रूर शासक था जिसकी जो स्मृतियाँ थी ना वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से जो ये लोग हैं ना, अगर आपके जो जो मतलब मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है,
तो आपका जो ऐसा भी फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो लोग जो है आपको भी अच्छा समझेंगे, ठीक है। अगर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ख़राब है तो आपको भी लोग बैड समझेंगे, बुरा समझेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये जो चंगेज़ खान था ना, ठीक है, ये भी बहुत, इसकी जो स्मृतियाँ थी यानी जो इसकी इसके बारे में जो बातें थी वो किससे जुड़ी हुई थी, वो बहुत ही बुरे नरसंहार से जुड़ी हुई, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, और ये क्या कहलाना पसंद करते थे, तैमूरी, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है इसमें ये था, और ये आपसे वन मार्क में भी पूछ सकते हैं कि जंगल बुक के जो लेखक हैं उनको कौन है, ठीक है, तो वो है रडयार्ड किपलिंग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो ये वाली वीडियोस में बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिन्हें आप देख के बड़े क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि मुगल जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। आप सिर्फ चाहें तो बाबर भी बोल सकते हैं, और जो उनका पूरा नाम था वो थे जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। और इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब करी थी, 1526 में। आपको पता होगा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, जब ही क्या नाम है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी यानी कि स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्तराधिकारी के बारे में, ठीक है। तो जो बाबर थे इनका उत्तराधिकारी कौन था, तो इनका जो उत्तराधिकार था वो था नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। आप सिर्फ हुमायूं भी याद रख सकते हैं, पर मैंने एक बार फिर भी आपको पूरा पूरा नाम लिख के बता दिया है, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर और क्या नाम है नसीरुद्दीन बाबर, ठीक है। तो जो इसका शासनकाल जो है वो कब से कब तक रहा, 1530 से 1540 तक, ठीक है, तो इसका शासनकाल रहा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसकी इसकी जो है वो लड़ाई हो गई और ये हारने वाला था, ठीक है, हुमायूं, तो ये क्या नाम है भाग गया, ठीक है, ये भाग गया। फिर 1555 में इसने क्या करा, जिनसे डर के भाग गया था उनको इसने हरा दिया, ठीक है, और हराने के बाद ये फिर से शासन करने लग गया, ठीक है। पर उसके एक साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई, कितनी ख़राब किस्मत, ठीक है, फिर इसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, इसके बाद जो जो इसका उत्तराधिकारी बना हुमायूं का, वो बना जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर बना, ठीक है। और ये एक सबसे महान बादशाह मुगलों में माना जाता है, ठीक है, इसको बहुत महान मानते थे लोग, ठीक है, और ये सबसे अच्छा काम करने वाला भी बादशाह माना जाता है, किसे, अकबर को, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर को। और इसका शासनकाल 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो आया जहांगीर, ठीक है, जहांगीर 1605 से 1627 तक, ठीक है। फिर शाहजहाँ 1628 से 1658 तक, ठीक है, औरंगजेब 1658 से 1707 तक, ठीक है। तो ये मुग़ल शासक आए। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो 1707 के बाद क्या हुआ, इस वंश की जो शक्ति है वो घट गई, ठीक है, यानी कि जो मुग़ल वंश था, मुग़ल शासन था, साम्राज्य था, ये कमज़ोर पड़ने लग गया, ठीक है। तो जो इसके विशाल साम्राज्य के स्थान पर क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, वो उन्होंने अलग अलग जो है वो स्वायत्तता ले ली, ठीक है, यानी कि जो ये मुग़ल साम्राज्य पहले एकजुट था क्योंकि इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये जो वंश है इसकी शक्ति घट गई, ठीक है। जैसे कि क्या नाम है, एक युद्ध में क्या हुआ था, जो औरंगजेब था इसके जो है सारा क्या नाम है जितना भी धन रखा हुआ था सारा ख़त्म हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी शासक आए औरंगजेब के बाद, ठीक है, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, अब चाहे वो वित्त का हवा मान लो या फिर जो भी हो, ठीक है। तो इस कारण से ये जो है ये थोड़ा थोड़ा टूटने लग गया वंश, ठीक है, मुगल वंश जो है इसको ये कमज़ोर पड़ने लग गया। फिर क्या हुआ, इसी वजह से ये छोटी छोटी क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी वो उभर गई, ठीक है, सब ने अपना अलग अलग क्या नाम है अलग अलग सब अपना राजा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कारण से ये कमज़ोर पड़ने लग गया। फिर क्या हुआ, 1857 का जो आप विद्रोह है आप जानते भी होंगे, ठीक है, पर आप जो है वो पढ़ेंगे भी मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है, उनको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, ठीक है। अब बहादुर शाह द्वितीय का मतलब क्या है, बहादुर शाह द्वितीय का मतलब ये है कि जो बहादुर शाह है ना, इनसे पहले भी कोई एक शासक होगा जिसका नाम होगा बहादुर शाह, ठीक है, तो उसका नाम बहादुर शाह प्रथम होगा, ठीक है। अगर हम अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस वाले बहादुर शाह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इस वंश में जो ये नाम फिर से रिपीट हुआ तो इसलिए इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय रख दिया गया, ठीक है। तो बहादुर शाह के बाद जो है अंग्रेजों ने इस वंश को उखाड़ फेंका, ठीक है, फिर अंग्रेजी शासन करने लग गए।
ठीक है, कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो गया, फिर सीधे इंग्लैंड इस जो वहाँ पे रानी थी वो शासन करने लग गए 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो अब वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो बात की बात है, पहले से देखते हैं। तो इतिवृत्तों की रचना, तो अब हम देखने वाले इतिवृत्तों की रचना जो है वो इतिवृत्त है क्या ये। ठीक है, तो इतिवृत्त जो है ये साम्राज्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो इतिवृत्तों से हमें बहुत सारी यानी कि ये इतिहास बताते हैं। ठीक है, इनसे जो है वो हमें साम्राज्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि उनके बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो इतिवृत्तों को क्यों लिखवाया गया, ठीक है, क्यों इनकी रचना की गई है, अब फिर से कुछ ना कुछ कारण होंगे। ठीक है, तो कारण ये थे कि शासक को शक्तिशाली दर्शाना। ठीक है, अब आपको देखे आपको पता ही होगा कि पहले जो मुगल शासक होते थे वो सारा काम अपने दरबारों में करवाते थे, अपने कवियों को वो अपने कवि हायर करके रखते थे, वो उनके दरबार में ही रहते थे और वो राजा के बारे में ही लिखते रहते थे। ठीक है, तो अगर क्या नाम है वो राजा के बारे में कुछ गलत लिखेंगे तो राजा मतलब क्या करेगा, उनको सजा देगा। ठीक है, तो क्या करते थे वो हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते रहते थे, तो इसलिए हमें हम पूरी तरह से इन्हें सच भी नहीं मान सकते, पर फिर भी जो मिला है उसे देख के कुछ तो अंदाज़ा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि हम उसे एक्सेप्शन है कि हम उसे सच नहीं मान सकते, पर फिर भी जो उसमें लिखा हुआ मिला है हमें वो भी मानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसमें जो भी लिखा होता था उसमें राजा की बहुत प्रशंसा की गई होती थी। ठीक है, तो इसमें राजा को बहुत शक्तिशाली दर्शाया गया होता था। ठीक है, और दरबार के अध्ययन में सहायक। ठीक है, इसमें राजा के बारे में चाहे जो भी लिखा हो, ठीक है, तो अब इसमें पता तो चला, अब चाहे उन्होंने राजा की तारीफ ही करी हो पर हमें यह भी तो पता चल गया ना इस राजा की तारीफ के माध्यम से या फिर इस इतिवृत्त के माध्यम से कि हाँ उस समय राजा का शासन होता था, वो एक महल में रहता था, वो ऐसे ऐसे कवियों से लिखवाता था। ठीक है, तो इससे जो है उस दरबार का हमने अध्ययन कर लिया, उसमें ये सहायक हो गया। ठीक है, तो शासन को का दर्शन जो है वो भावी पीढ़ी हेतु। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने इन इतिवृत्त को पढ़ा तो हमें इनके शासन के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो मतलब अब हम में से तो किसी ने देखा नहीं था ना, पर हम क्या हम इन्हें पढ़ रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है कि हाँ मुगल दरबार भी क्या नाम है उसमें ऐसा ऐसा होता था, मुगल दरबार भी था। ठीक है, तो ये भावी पीढ़ियों के अध्ययन के लिए है, या फिर जो क्या नाम है अकबर है उसने पढ़ा कि हाँ उसका दादा था, उसने क्या नाम है ऐसे ऐसे शासन किया था, या फिर जो भी। ठीक है, तो ये भावी पीढ़ियों को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम शक्तिशाली थे, हमने यहाँ से ये जीत लिया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये इतिवृत्तों को लिखवाया जाता था। ठीक है, और एक ये आलमगीर। ठीक है, तो ये आलमगीर है क्या, ये मुगल शासक औरंगजेब की पदवी है। ठीक है, इसका नाम है मुगल शासक जो औरंगजेब है उसकी पदवी का नाम है आलमगीर। ठीक है, और इसका वर्णन जो है उसमें मिलता है आलमगीर नामा में औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो ये है कि आपका याद रखना। अब मैं एक सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो मुगल दरबार की जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो कौन सी मुख्य भाषा थी, ठीक है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कि मुगल जो है सारी की इतिहास लिखा गया, किताबें लिखी गई, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ ये किताबों के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये अकबरनामा है, ठीक है, तो अकबरनामा जो है ये फारसी में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये किस में लिखी गई थी, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है, कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालना, उनको पढ़ना, मैं क्यों बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि ये अकबरनामा जो है वो फारसी में लिखी गई थी। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो वन मार्क के क्वेश्चन तो आते ही हैं, पर जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना 8 मार्क्स वाले, इनको भी ना ये क्या नाम है एक अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्या नाम है एक क्वेश्चन आ गया कि क्या नाम है अकबरनामा के बारे में लिखिए, तो ठीक है आप जो है आपको इससे क्या नाम है आप यही तो लिखोगे कि इसमें अकबर की जीवनी का वर्णन है, या फिर ये है इसे इतनी तीन वो क्या नाम है इतनी मंजिलों में विभाजित किया गया था, ये जो भी मैं आपको ये आगे की पार्ट में ज़रूर बताऊँगी अकबरनामा के बारे में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसमें एक लाइन और मिल गई ना कि जो इसका जो है ये फारसी में लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये भी पता चल गया, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बाबरनामा, बाबरनामा जो है ये तुर्की में लिखी थी। ठीक है, जो ये किताब थी ये तुर्की में लिखी थी, पर क्या हुआ इसका अनुवाद कर दिया गया फारसी में। ठीक है, अब रजमनामा क्या है, ये रजमनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, जो महाभारत है, ठीक है, अब जो संस्कृत में लिखी हुई है या फिर हिंदी में जो भी लिखी हुई है मुझे नहीं पता इतना। ठीक है, हिंदी में संस्कृत में जो भी लिखी हुई है उसका नाम क्या है, महाभारत है उसका नाम। ठीक है, महाभारत। ठीक है, तो अब क्या नाम है यही जो फारसी में लिख दी गई है यही महाभारत, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, रजमनामा। ठीक है, और रजमनामा का जो अर्थ होता है वो होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, अब पांडुलिपियों की रचना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, तो
और ये ज़्यादा नंबर का भी आता है, तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पांडुलिपियों की रचना को देख लेते हैं। पहले पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि जो है वो ये होती है हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, ठीक है, जो कि अब तो वैसे भी प्रिंटिंग प्रेस आ गई या फिर जो भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं बढ़िया जिनसे हम किताबों को छाप सकते हैं। पर पहले क्या होता था, पहले जो है किताबें हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है। तो अब क्या, जो हाथ से लिखी हुई किताब थी उन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था, ठीक है। तो अब इनकी पांडुलिपियों की रचना के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, देखेंगे इनकी रचना के बारे में कि इनकी रचना जो है वो कैसे हुई, ठीक है, कैसे होती थी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं रचना के बारे में। किताब खाना, जिसमें सबसे पहले जो आती है टर्म वो आती है किताब खाना, ठीक है। तो पांडुलिपि के लिए किताब खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पांडुलिपि की रचना किताब खाने में ही होती थी, ठीक है। ये एक लिपिघर था, ठीक है, जहाँ पर बादशाह की पांडुलिपियों को एकत्र करके रखा जाता था, ठीक है। तो क्या होता था, पांडुलिपियाँ कहाँ पे लिखी जाती थी, किताब खाने में, ठीक है। फिर दूसरा है कागज़ बनाना में पन्ने तैयार करना, ठीक है। कागज़ बनाने के लिए जो पेड़ पौधे होते थे उनकी लुगदी से कागज़ तैयार किया जाता था, ठीक है। फिर उसे काट काट कर उसके पन्ने तैयार किए जाते थे, ठीक है। तो जो कागज़ और पन्ने तैयार करना, कागज़ बनाना, मतलब पहले क्या करते थे, ये जो पेड़ पौधे उन्हें काट कर उनका पल्प बना लेते थे, यानी कि उनकी लुगदी बना लेते थे, ठीक है। फिर उसे काट के, जब वो बहुत बड़ा सा बनेगा, फिर उसे काट काट के उसके पन्ने तैयार किए जाते थे। सुलेखकों द्वारा लिखना, ठीक है। किताब घर में शासन की ओर से अच्छे लेख वाले सुलेखकों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है, जो उन पन्नों पर पाठ की नकल तैयार करते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, वो जो राजा होता था, शासक होता था, वो सुलेखकों को नियुक्त करता था, ठीक है। और वो क्या करता था, अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में उन पन्नों पर वो नकल उतारता था जो भी वो लिखवाना चाहते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक नॉलेज दी, मैं आपको ये बता दूं कि जो अकबर की पसंदीदा शैली थी वो नस्तलिक शैली थी, ठीक है, ठीक है। नस्तलिक शैली उसे बहुत पसंद थी, अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो अब जब वो सुलेखकों को उससे लिखवाएगा किताब, तो वो क्या कहेगा, अगर वो किसी और शैली में लिखी हुई है तो वो क्या कहेगा, इसे भाई नस्तलिक शैली में इसकी नकल उतार दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अब आप उदाहरण दे दोगे, जैसे नस्तलिक शैली थी, ठीक है। अब पन्नों को चमकाना, ठीक है। तो पन्नों का चमकाना, इसका मतलब ये, इस कार्यों को कोफ्तागार नामक कर्मचारी करते थे, ठीक है। ये कर्मचारी होते थे, कोफ्तागार नाम होता था इनका, और ये क्या करते थे, इनका काम क्या होता था, पन्नों को चमकाना, ठीक है। ये लोग लिखे हुए पन्नों को चमकाते थे, ठीक है। फिर क्या है, चित्रकारी करना, ठीक है। तो चित्रकार जो था वो पाठ में लिखी हुई घटनाओं के अनुसार पन्ने के एक और थोड़ी सी जो है वो छोड़ी गई जगह होती थी, ठीक है, जिसमें वो लघु चित्र बनाते थे, यानी कि छोटे छोटे चित्र बना देते थे। जैसे मान लो ये कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मान ली ये किताब का पन्ना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ यहाँ लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, पर इन्हें यहाँ पर कोई चित्र बनाना है, तो इतनी सी जगह छोड़ दी, फिर यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर नीचे लिख दिया, ऐसे करके जगह छोड़ दी, और यहाँ पर जो भी चित्रकार है वहाँ पर अपनी चित्रकारी कर देगा, जो भी उसे बनाना होगा चित्र, ठीक है। तो ये ऐसे चित्रकारी करना। अब जिल्दसाजी करना, ठीक है। जिल्दसाजी करना मतलब सबसे अंत में जिल्दसाज पन्नों को जो है क्रमवार लगाकर, यानी उन्हें सीक्वेंस से लगाकर इकट्ठा करता था, ठीक है। फिर जो सजे हुए पन्ने होते थे उनके ऊपर कपड़ चढ़ा देता था, फिर उनको सिलता था, ठीक है। फिर जिल्दसाजी का काम जो है वो अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, जो जिल्दसाजी का काम करता था उसके काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें उसे क्या करना है, पन्नों को लाइन से लगाना है, कलम से लगाना है, फिर उसको क्या नाम है, कवर चढ़ा के फिर उसे सिल देना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, आपको क्या नाम है, पार्ट टू भी, वो ये टर्म वन है और ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। Thanks for watching.